नवभारती टीटी कॉलेज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्यालय ज्ञान। जैसा मैंने आपको बताया कि विद्यालय ज्ञान और विद्यालय से बाहर का ज्ञान दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, जिसे हम विद्यालय ज्ञान को हम औपचारिक ज्ञान भी कह सकते हैं। यानी कि एक तरीके से विद्यालय ज्ञान हमारा औपचारिक ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान दोनों की श्रेणी में आता है। यानी विद्यालय ज्ञान को हम सैद्धांतिक ज्ञान भी कह सकते हैं। एक हमारा विद्यालय से बाहर का ज्ञान, उसे हम अनौपचारिक ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान की श्रेणी में ले सकते हैं। अभी हम देखें कि विद्यालय ज्ञान औपचारिक, अगर हम यहाँ हम ज्ञान का विभाजन करें तो विद्यालय ज्ञान को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, औपचारिक ज्ञान, अनौपचारिक ज्ञान और निरौपचारिक ज्ञान। औपचारिक ज्ञान जो हम विद्यालय से लेते हैं, अनौपचारिक ज्ञान जो हम व्यवहारिक ज्ञान है, और निरौपचारिक ज्ञान होता है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से प्राप्त किया जाता है, वो ज्ञान होता है निरौपचारिक ज्ञान। जो हम विद्यालय से प्राप्त करते हैं औपचारिक ज्ञान, अनौपचारिक ज्ञान हम किसी समाज, हमारे समाज से, हमारे परिवार से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अनौपचारिक ज्ञान की श्रेणी में है। निरौपचारिक ज्ञान होता है हम इन दोनों से लेते हैं या मुक्त विश्वविद्यालय, इसी तरह से निरौपचारिक ज्ञान है। इसी में हमने देखा है विद्यालय ज्ञान। सबसे पहले हम विद्यालय शब्द जो हमारा आया है, आखिरकार ये विद्यालय शब्द हमारा बोला कहाँ से गया, तो कहते हैं कि विद्यालय जो स्कोले शब्द अपना एक यूनानी शब्द है, यानी ये यूनानी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसे हमने स्कूल नाम दिया है। ये स्कोले शब्द यूनानी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। स्कूल का अर्थ होता है अवकाश, स्कूल का अर्थ है अवकाश। कहते हैं कि जहाँ हमारे प्राचीन समय में अवकाश, जहाँ हम लेते हैं आज के टाइम पे कि अवकाश का शब्द, तो हमारा अगर आज के टाइम पे हम देखें तो अवकाश का अर्थ होता है आराम या छुट्टी, कि जिस दिन हम छुट्टी करते हैं, हम आराम करते हैं, वो हमारा अवकाश होता है। आज हम देखते हैं जिस दिन हम विद्यालय नहीं आते हैं तो हम उसे अवकाश घोषित करते हैं। तो यही शब्द था कि अवकाश यानी कि छुट्टी। तो इसमें कहते हैं जब इंसान छुट्टी अवकाश पे है तो वो अच्छे से रिलैक्स होकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कहा जाता था कि पहले जो था मनुष्य बहुत कम अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करता, अर्थात जो समाज में रहते हुए बहुत कम काम करते थे, तो वो आराम में तो थे। तो ये आराम शब्द है अवकाश, आराम में, और वो उसी आराम में रहते हुए अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। उनका मानना था कि जो काम नहीं करता, जो फ्री रहता है, जो आराम करता है, उसे इसकी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए उन्होंने स्कूले शब्द ज्ञान, यानी कि स्कूल के लिए स्कूले शब्द की उत्पत्ति की। स्कूले का अर्थ होता है इंग्लिश में अवकाश, यानी अवकाश के समय ज्ञान ग्रहण करना। इसी के लिए विद्यालय ज्ञान के लिए रॉस क्रॉस ने एक परिभाषा लिखी है, जैसा कि जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा, इस यानी कि जो संस्था, जो विद्यालय सभ्य मनुष्य बनाती है, यानी कि कहा जाता है कि विद्यालय में हमें एक तरीके से हर संस्कृति का, ज्ञान का हमें नॉलेज करवाते हैं। जब हम विद्यालय में आते हैं तो हमें, हमारे जो शिक्षक होते हैं वो हमें हमारे प्रत्येक चीज़ पर टोका टोकी, यानी कि हमें किस तरह से बैठना है, किस तरह से बोलना है, किस तरीके से हमें विद्यालय में सबके साथ सामंजस्य बिठाना है, यानी कि कहा जाए तो वो एक हमें सभ्य मनुष्य बनाते हैं, वो हमें एक सभ्य मनुष्य बनाते हैं। तो इसी में है कि रॉस ने लिख दिया कि ऐसी संस्थाएं जिनको इस सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। ये शब्द, ये चीज जो है वो विद्यालय ज्ञान में होता है, कि जिस तरीके से मनुष्य को, उद्देश्य को एक स्थापित करती है ये सभ्य बनाने के लिए, समाज में सुव्यवस्थित योग्यता रखने के लिए, एक योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिलती है। अर्थात हम जब हम खुद से शिक्षित होंगे तो हम हमारे समाज को एक सुव्यवस्थित समाज बना पाएंगे, और ये कब होगा, जब हमें योग्य सदस्य बनेंगे इसके। और योग्य सदस्य कब बनते हैं, जब हम विद्यालय में आते हैं, और विद्यालय में आओ हमारे स्कूल में एक व्यवस्थित तौर पर हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि बिना विद्यालय के, बिना शिक्षा
होते हैं। एक चीज हम ये कहें विद्यालय ज्ञान के लिए, सिंपल चीज की विद्यालय ज्ञान वो ज्ञान होता है जो हमें प्रमाण के तौर पर ज्ञान प्राप्त होता है। हम चाहे घर पर बैठ के कितना ही हम पढ़े या कुछ करें, लेकिन हमें वो प्रमाणिकता हासिल नहीं होती है जो हमें विद्यालय ज्ञान में प्राप्त होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि विद्यालय ज्ञान जो है वो हमें एक सुव्यवस्थित नागरिक बनाता है, एक सुव्यवस्थित हमें समाज की स्थापना करने के लिए प्रेरित करता है। तो यही हमारे रॉस की परिभाषा थी। दूसरी थी जॉन ड्यूवी, जो हम मानते हैं कि जॉन ड्यूवी एक प्रयोगात्मक थे, जो कि उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील का मतलब प्रगति करना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। हम जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे, जॉन ड्यूवी थे, उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया क्योंकि वो प्रयोगात्मक शिक्षा देना चाहते थे कि जैसे जैसे हम प्रयोग करेंगे हम नई नई चीजों का उसमें आविष्कार करते रहेंगे, अर्थात हम प्रगति करते रहेंगे, निरंतर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये कहते थे कि जीवन के अनुसार हम जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती है, हमारे जो हमारे खुद के जीवन जीने का तरीका बदलता है। कहते हैं आवश्यकता विस्तार की जननी है। तो यही चीज है कि आवश्यकता के अनुसार जैसे जैसे समय में हमारे परिवर्तन होता जाएगा, हमारी शिक्षा आगे की ओर प्रगति करती रहेगी। हम उसी के आधार पर नई नई चीजों का आविष्कार करते रहेंगे, नई नई शिक्षा हम लेते रहेंगे। तो यही चीज उन्होंने बताई है कि जीवन के कुछ गुण, कुछ क्रियाएं हमें किससे प्राप्त होती है, व्यावसायिक शिक्षा, जो कि देन थी कि हमें ये व्यावसायिक शिक्षा क्या थी, ये हमारे समय के परिवर्तन थी, हमारे समय की मांग थी कि हमें किस तरीके से हमें शिक्षा ग्रहण करना है। हम जो नए नए कहें हम कोषात्मक जो अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम व्यावसायिक शिक्षा लेते हैं, हम रोजगार शिक्षा लेते हैं, यानी कि हर तरीके की शिक्षा का समावेश है हमारी शिक्षा में। केवल हमें ज्ञान के साथ साथ हमें जीवन किस तरीके से जीना है, या कहा जाए कि हमको जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब हमें शिक्षा ही सिखाती है। इसीलिए जॉन ड्यूवी ने इसे प्रगतिशील शिक्षा कहा है, यानी कि जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, प्रगति करती रहती है, उन्नति करती रहती है, परिवर्तन करती रहती है, तभी वो शिक्षा आगे बढ़ती हुई चली जाती है, प्रगति करती है। अब यही चीज हम देखें कि ये तो हमारी थी विद्यालय, तो विद्यालय का ज्ञान। अब हमने कहा है कि विद्यालय ज्ञान जो होता है उसका एक नेचर होता है, उसकी एक प्रगति होती है कि वो किस प्रकृति के आधार पर कार्य करता है। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि विद्यालय ज्ञान किस प्रकृति पर कार्य करेगी, सैद्धांतिक पर, अर्थात वो सिद्धांतों में बंधी हुई होगी, यानी कि जो हम शिक्षा लेते हैं विद्यालय से वो हमारा सैद्धांतिक ज्ञान अर्थात नियम में बंधा हुआ ज्ञान होता है। जब बच्चा स्कूल में आता है, एडमिशन लेता है, उसे अपनी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है जो कि उस नियम में, उस महाविद्यालय के नियम होते हैं, उन नियमों को उसे फॉलो करना रहता है, उन नियम के आधार पर उसे उस ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस सैद्धांतिक ज्ञान की पहचान होती है कि हम उस बच्चे को उस सैद्धांतिक ज्ञान की पहचान से जब उसकी शिक्षा पूर्ण होती है तो हम उसे प्रमाण के तौर पर हम उसे प्रमाणित करते हैं। तो कहते हैं कि सिद्धांत के अनुसार जो शिक्षा ग्रहण करते हैं हम, वो शिक्षा कहाँ पर ग्रहण करते हैं, हम विद्यालय में। तो विद्यालय ज्ञान की जो प्रकृति है सबसे पहली वो है हमारी सैद्धांतिक, सेकंड है हमारा मूर्त व अमूर्त ज्ञान, यानी कि विद्यालय से हमें मूर्त ज्ञान भी प्राप्त होता है और हमें अमूर्त ज्ञान भी प्राप्त होता है। विद्यालय एक ऐसी जगह है, अगर हम देखें कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमने नहीं देखी हैं, लेकिन हमें क्योंकि कल्पना मात्र से यहाँ पर उसका जो कहते हैं कि उसकी पिक्चर को हम मूर्त रूप देना शुरू कर देते हैं और हम उसे देखना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि जब बच्चा शुरू में जब वर्णमाला के अक्षरों की पहचान नहीं करता है तो उन्हीं वर्णमाला के अक्षरों की पहचान मूर्त रूप से बच्चों को स्कूल में करवाई जाती है कि किस तरीके से बच्चे को हम ये सिखाएं कि वर्णमाला के अक्षरों की पहचान हो। या अमूर्त ज्ञान हम देना चाहें तो बच्चों को हमको स्टोरी सुना के, अगर हमें किसी चीज से बच्चों को किसी चीज की हमें नॉलेज देनी है तो हम बच्चों को अमूर्त ज्ञान की जो कहानी कहते हैं कि कहानी के रूप में एक संकल्पना हम तैयार करते हैं, रचना तैयार करते हैं और उस रचना को हम बच्चों के सामने प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी विद्यालय की जो सेकंड है प्रकृति वो है मूर्त ज्ञान व अमूर्त ज्ञान, अर्थात हमें मूर्त यानी प्रत्यक्ष ज्ञान और अमूर्त यानी अप्रत्यक्ष ज्ञान, दोनों प्रकार के ज्ञान हमें विद्यालय से प्राप्त होते हैं।
यानी कि जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है और हमारा अप्रत्यक्ष रूप भी है। और थर्ड है हमारा स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान। स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान यानी कि इन दोनों का हमें किस तरह से हमें संतुलन बिठाना है, ये हमारा स्थानीय ज्ञान एवं सार्वभौमिक ज्ञान में आता है। अब हम देखें कि हमारे विद्यालय का कितना महत्व क्या है, विद्यालय ज्ञान का महत्व क्या है, कि हमें विद्यालय में क्यों लें हम ये ज्ञान, हम विद्यालय में ज्ञान क्यों प्राप्त करें, कि हमारे विद्यालय में हमें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है, कि हमारे विद्यालय में हमें क्यों जाना पड़ता है। तो हम सिंपल तौर पर देखें तो हम जब विद्यालय जाते क्यों हैं, हम विद्यालय जाते हैं शिक्षित होने के लिए, अर्थात शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। हम देखते हैं कि अगर हम जहाँ बच्चा अपने खुद के परिवार में रहते हुए बच्चा वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है जो कि उसे विद्यालय ज्ञान में मिलता है। अगर हम कहें सेकंड पॉइंट पे, तो विद्यालय में घर पर रहते हुए बच्चा निष्पक्ष तौर पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता कि बच्चा सही कर रहा है या गलत। अगर उसे निष्पक्ष ज्ञान प्राप्त करना है, प्रमाणित ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसे विद्यालय में आना पड़ता है। एक चीज हम देखें तो विद्यालय में जो हम घर पर रहते हैं उसे में हम सैद्धांतिक ज्ञान की पूर्ति नहीं होती है। हम चाहे कितना पढ़ लें चाहे हम ना पढ़े, लेकिन हमें कोई सैद्धांतिक का मतलब जो नियम वाला जो प्रमाणित ज्ञान है जिसका हमें प्रमाण मिलता है, वो ज्ञान हमें विद्यालय से प्राप्त घर से प्राप्त नहीं होता है। घर में हम वो जो संतुलन हमने अभी कहा कि स्थानीय ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान, या कहें कि विद्यालय में हमें किस तरह से सामंजस्य बिठाना होता है एक दूसरों के बीच में, वो ज्ञान भी हमें यहाँ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विद्यालय में ही हम लोगों की पहचान हमारे अलग अलग समाज के अलग अलग लोग कहते हैं। लेकिन घर परिवार हमारा ऐसा होता है जिसमें केवल हमारे अपने रिश्तेदार, अपना परिवार, अपने माता पिता, अपने दादा दादी, हमारा यानी हमारे स्वयं के ही रिश्तेदार हमारे परिवार में होते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें वो पक्षकार ज्ञान प्राप्त करते हैं, निष्पक्ष ज्ञान हमें विद्यालय से ही प्राप्त होता है। आगे है हमारे विद्यालय ज्ञान की कार्य, विद्यालय ज्ञान के कार्य यानी कि विद्यालय के अंतर्गत कार्य क्या होते हैं, विद्यालय हमें किन किन कार्यों के कारण हम करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे मानवीय मूल्यों का विकास। पहला पॉइंट है हमारा मानवीय मूल्यों का विकास, यानी कि हमारे अंदर जो सामंजस्य की भावना आती है वो हम मानवीय मूल्य की श्रेणी में लेंगे। तो वो मानवीय मूल्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, हमारे विद्यालय से। हमारे विद्यालय में जब हम यहाँ विद्यालय में जब हम प्रवेश करेंगे तो इन सारे मानवीय मूल्यों का हमें एहसास होगा हमारे विद्यालय में, कि किस तरह से हमें सभी के साथ सामंजस्य निभाना है। एक सिंपल तौर पर कहें कि बच्चा जो घर पर अकेला रहते था, अकेला अपने परिवार के साथ रहता है, वो यहाँ पर बैठ के लंच बॉक्स जब वो अपना भोजन लेता है लंच में, तो वो भोजन भी अपने साथ के बच्चों के साथ बैठ के अपने क्लासमेट के साथ में लेता है। तो जो वो ले रहा है उसको लेना किस तरह से उसको सिखाया जाता है, किस तरह से वो आपस में शेयर कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा मानवीय मूल्य। एक बच्चे की अगर चोट लगती है तो दूसरा बच्चा उसे संभालता है, एक बच्चे के पास पेंसिल नहीं होती है तो दूसरा बच्चा अपने पेंसिल देता है, तो ये सब क्या है, ये हमारे मानवीय मूल्यों का विकास। यानी कि विद्यालय हमें आपस में जोड़े रखता है कि हमें किस तरीके से एक दूसरे से हमारे सहपाठी होते हैं उनके साथ हम किस तरह से हमारा सामंजस्य बिठाएं, या कहा जाए तो जो इन गुणों का विकास होता है दया, प्रेम, भलाई, ये सब चीजें हमें जो गुणों का इन गुणों का मानवीय गुणों का गुण है हमारे दया, प्रेम, परोपकार, ये सब हमें एक विद्यालय की देन होती है। ये गुण हमें परिवार से ज्यादा हमें हमारे कहाँ प्राप्त होती है, विद्यालय में, क्योंकि परिवार में जब तक हम रहते हैं तो परिवार में हमारे अपने रहते हैं, तो हम हमेशा उनकी सहायता करते हैं। लेकिन ये सहायता कहाँ होती है, हम विद्यालय में जब आते हैं, जब हम हमेशा दूसरे जो हमारे सहपाठी पढ़ते हैं जब हम उनकी सहायता करते हैं, तो ये हमारा मानवीय मूल्यों का विकास है, क्योंकि वहाँ हम अपने से बाहर, अपने परिवार से बाहर निकलकर किसी दूसरे बच्चे की हम सहायता
जैसा कि अभी आपने देखा, जॉन ड्यूई ने खुद ने भी एक गतिशील शिक्षा का सिद्धांत दिया कि शिक्षा को हमेशा गतिशील रहनी चाहिए, अर्थात आगे बढ़ता हुआ रहना चाहिए। आज जो हम टेक्निक शिक्षा ले रहे हैं, ये क्या है? गतिशील शिक्षा की देन है, यानी कि हम निरंतर हम नई नई प्रगति इसमें करते जा रहे हैं, निरंतर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हम नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और नई नई शिक्षा ही नहीं, हम देखें कि हमारे प्रत्येक क्षेत्र, चाहे हमारा चिकित्सक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या हमारा खुद कंप्यूटर क्षेत्र हो और तकनीकी वाला, तो हम इस चीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो गतिशील क्या है? गतिशील है परिवर्तन के लिए, यानी कि समय की देन। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता रहता है, समय ही परिवर्तन है। कहते हैं कि समय जब परिवर्तित होती है तो हमारी आवश्यकताएं बदलती है। जब हमारी आवश्यकताएं बदलती है तो आवश्यकताओं के तौर पर ही हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ये गति कर रही है, हमें आगे बढ़ा रही है। गति करना मीन्स आगे बढ़ना, हम निरंतर हमें आगे बढ़ा रही है। कहते हैं परिवर्तन है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यही इन्होंने अपनी शिक्षा में कहा था कि जीवन परिवर्तन है, तो हमें शिक्षा भी गतिशील बनानी चाहिए। जब हमारे समय हमारा परिवर्तित हो रहा है, जब समय परिवर्तन चल रहा है, तो हमें अपनी शिक्षा को भी गतिशील बनानी चाहिए। ये गतिशीलता हमें कौन बताता है? ये हमारे विद्यालय से ही हमें गतिशीलता प्राप्त होती है कि किस तरीके से हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जो थर्ड पॉइंट है हमारा सांस्कृतिक विकास, यानी कि जो हमारी हमारी संस्कृति है। कहते हैं कि शिक्षा हमें सांस्कृतिक विकास, यानी कि हमें किस तरह से उसे आगे बढ़ाना है, ये भी हम शिक्षा से सीखते हैं। संरक्षित करते हैं, यानी कि उसे हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। हमारी संस्कृति का विकास, हम हमारी संस्कृति को संरक्षित करना, यानी कि उसे किस तरह से हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, ये भी हमें विद्यालय ज्ञान सिखाता है कि किस तरीके से। कहा जाता है हमारी भारतीय संस्कृति, आज हमने देखा कि हमारी भारतीय संस्कृति विदेशों तक, हमारी संस्कृति जो है विदेशों में भी हमारी संस्कृति फेमस है। तो वो क्यों है? क्योंकि हमने हमारी संस्कृति का हस्तांतरण किया है, हमने उसको आगे बढ़ाया है, उसका विकास किया है। क्योंकि अगर हम एजुकेशन में नहीं होते, कहते हमारे जो पुस्तकों में भी हम देखें तो हमारे छोटे छोटे रीति रिवाज, हमारे कल्चर, हमारे तीज त्यौहार, इनका हमें छोटे छोटा बच्चा जब फर्स्ट सेकेंड क्लास में पढ़ता है तो उसे एक छोटी सी कहानी हम कह दें कि दीपावली पर्व का उसके चैप्टर होता है। तो दीपावली पर्व उसे चैप्टर नहीं होता है उसका, लेकिन वो दीपावली पर्व पर हमारी जो संस्कृति, हम पर्व मनाते हैं, उसे हम किस तरीके से मनाते हैं, ये उस चैप्टर में होता है। तो बच्चा हमारी जो संस्कृति है वो सीखता है कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। तो इसी का ही विकास को हमारे आगे करता है, यानी कि आगे वो बढ़ाता हुआ चले जाता है। कि यही से हमारी शिक्षा है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम हमारी संस्कृति का विकास कर सकते हैं, उसे संरक्षित रख सकते हैं, अर्थात उसे सुरक्षित रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब संपूर्ण विकास। हमने कहा है कि केवल जो हमारा विद्यालय है वो हमें शिक्षा ही नहीं देता है, लेकिन शिक्षा के साथ हमें किस तरीके से हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, तो वो हमें हमारा शारीरिक शिक्षा भी देती है। हमें किस तरीके से व्यवसाय करना है, वो व्यवसाय शिक्षा भी देती है। तो कहा जाता है कि ये हमारा एक सर्वांगीण, यानी कि हमारा कला पक्ष, हमारा भाव पक्ष, हमारे दोनों पक्षों का ये सर्वांगीण विकास करती है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। किस तरह से? कहते हैं कि शिक्षा हमें सिर्फ जो हमारा विद्यालय होता है शिक्षित करने के अलावा हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है कि हमें किस तरीके से हमारा जीवन जीना है। इसमें एक चीज कहूंगी, देशबंधु जो थे उन्होंने ये चीज कही है कि शिक्षा जो होती है वो किसी, कहते हैं न्यायालय या व्यवसाय की देन, या कहते हैं रोजगार या किसी व्यवसाय की देन नहीं होती है, ये एक शिक्षा की देन है। ये एक शिक्षक की देन है कि किस तरह से हमें समाज को हम सुव्यवस्थित कर सकते हैं, या हम उसे व्यवस्थित तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं, हम हमारे समाज को सभ्य बना सकते हैं। तो ये चीज़ जो होती है वो हमें शिक्षा ही सिखाती है। इसीलिए शिक्षा के लिए हम कहें कि शिक्षा हमारा चहुंमुखी विकास करती है, अर्थात हमारे चारों तरफ का विकास करती है कि किस तरीके से हमें हमारा जीवन यापन करना है, ये हमें हमारी शिक्षा ही सिखाती है। उससे पांचवा पॉइंट है हमारी नागरिकता, यानी कि हम कहाँ हैं, हमारा देश है,
हमारे भारत देश की नागरिकता है। तो शिक्षा कहती है कि हम जिस देश के नागरिक हैं उस नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, जो नागरिक यानी उस व्यक्ति के उस देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का हमें जो कर्तव्य निर्वाह करना सिखाता है या उन कर्तव्यों की पहचान करवाती है वो हमारी शिक्षा ही करवाती है कि किस तरीके से हमारे क्या क्या हमारे जीवन के मूल्य हैं और हमारे खुद के साथ साथ कहते हैं परिवार समाज और हमारे स्वयं के जो खुद के हमारे खुद के जो भी नियम होते हैं या खुद की जो आवश्यकताएं होती हैं उससे दूर या उस कर्तव्य हमारे उससे भी अलग हमारे कर्तव्य हमारे देश के प्रति भी होते हैं कि आखिर हमारे देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हमारा मतदान क्या है, हमारा नागरिक कर्तव्य है हमारा खुद का कि हमें जो भी करना है हमारे नागरिक कर्तव्य कि हमें मतदान करना है। तो नागरिक का एक तरीके से दायित्व है कि वो अपना ये अधिकार प्राप्त करें। तो क्योंकि हमें इस देश की नागरिकता हम इस देश के रहने वाले हैं तो जीवन जो हमारी शिक्षा है वो हमें ये सिखाती है कि हमें हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है उन्हें भी हमें पूरा करना चाहिए। 6 पॉइंट है हमारा व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा जिससे हम अपने जीवन यापन करते हैं जिससे हम अपना रोजगार चलाते हैं। कहते हैं कि शिक्षा हमारे शिक्षित करने के साथ साथ हमें व्यावसायिक कौशलात्मक भी हासिल करती है। यानी कि हमें चाहे हम देखें कि आज हमें व्यावसायिक शिक्षा है हम नए नए रोजगार वाले शिक्षाएं लेते हैं तो ये शिक्षा क्या है। कहते हैं शिक्षा में शिक्षा तो दे ही रहते हैं लेकिन शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा जोड़ दी गई। और ये व्यावसायिक शिक्षा क्यों जोड़ी गई, हमारा जीवन यापन करने के लिए। कहते हैं कि जब हम शिक्षा ले रहे हैं शिक्षित हो रहे हैं उसको जो शिक्षा ली है उसको हमें किस क्षेत्र में और किस तरीके से हमें प्रयोग में लेना है कि वो हमारे साथ हमारे पास हमारे जीवन का उपार्जन का साधन भी बने और हमें शिक्षित भी करें। तो ये हमारा विद्यालय हमें सिखाता है, वो क्षेत्र हमें विद्यालय बताता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए और किस क्षेत्र की हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो इसमें बताया गया कि शिक्षा के साथ हमारे व्यवसायिक शिक्षा को भी जोड़ दिया गया कि हम अपना व्यवसाय कर सकें हमारा जीवन का रोजगार चला सकें और उससे हमारा जीवन यापन कर सकें। 7 पॉइंट है हमारा देशभक्ति की भावना। कहते हैं कि शिक्षा हमारे अंदर देशभक्ति यानी देश प्रेम की भावना भी जागृत करती है। हम जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं या हम कहते हैं कि अब जिस देश में हम रहते हैं अगर शिक्षा ना हो तो क्या हम जो ये जो कहते हैं देशभक्ति की भावना उत्पन्न कैसे, जो हमें छोटे छोटे हमारे पर्व मनाते हैं राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 15 अगस्त तो उससे क्या होता है जब बच्चे यहाँ आते हैं विद्यालय में क्या हम गरबा लगा ये सेलिब्रेट करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन जब हम विद्यालय में आते हैं तो हम हमारे राष्ट्रीय पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये हर्षोल्लास से जब हमारी भावना जागृत होती है तो वो है क्या, वो है हमारे देश के प्रति भावना। यानी कि हम हमारे देश के प्रति जो भावना जागृत विद्यालय के माध्यम से होती है ये छोटे छोटे रास्ते पर हमारे अंदर हमारी देशभक्ति की भावना को जागृत करते हैं। ये था हमारा कार्य यानी कि विद्या। सबसे पहले हमने पढ़ा विद्यालय ज्ञान यानी विद्यालय ज्ञान किसकी उत्पत्ति थी, स्कोले शब्द की जो कि कहाँ का शब्द है, यूनानी शब्द है। और इस यूनानी शब्द का अर्थ क्या है, अवकाश यानी कि आराम से रहना अवकाश में रहते हुए ज्ञान प्राप्त करना। जिसकी सबसे पहले परिभाषा दी थी किसने रॉस ने कि जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित यानी कि जो संस्था है वो एक सभ्य मनुष्य को ले यानी सभ्य मनुष्य बनाना उसका एक उद्देश्य होता है कि हम मनुष्य को कहते हैं मनुष्य जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करता है वो एक पशु के समान होता है। तो इसमें वही चीज़ बताइए कि शिक्षा हमें एक सभ्य मनुष्य बनाती है और इसी उद्देश्य को शिक्षा स्थापित करती है। यही उद्देश्य लेकर जब हमें मनुष्य स्वयं कहते हैं कि जब तक व्यक्ति स्वयं सभ्य नहीं होगा वो एक ना तो सभ्य समाज की स्थापना कर सकेगा ना एक सभ्य राष्ट्र की स्थापना स्थापित कर सकेगा। इसीलिए कहा गया है कि एक सभ्य समाज सुव्यवस्थित करने के लिए हमें शिक्षित होना आवश्यक है। बालक को इसके लिए तैयार करना होता है कि उसे शिक्षित बनकर हमारे राष्ट्र का हमारे समाज का किस तरीके से हमारे राष्ट्र और समाज को सभ्य बनाना है। इसी तरह से जॉन ड्यूवी ने दी थी कि जीवन के कुछ गुण क्रिया व्यवसायों की शिक्षा यानी कि वो कहते हैं कि हमारी जो कहते हैं ना जॉन ड्यूवी प्रगतिशील शिक्षा थी इनकी तो वो जीवन के क्या गुण होते हैं
क्या क्रियाएं होती हैं, साथ में हमें किस तरह से हमें रोजगार चलाने हैं, व्यवसाय चलाने हैं, इनकी शिक्षा वो मानते थे कि ये शिक्षा हम बिना विद्यालय के हम संभव नहीं है। हमें इन क्रियाओं को यानी प्रयोगात्मक हम इन क्रियाओं को प्रयोग करके विद्यालय में देख सकते हैं, हम अप्लाई करके देख सकते हैं कि हमें किस तरह से शिक्षा मिलती है। फिर हमने पढ़ा था कि विद्यालय ज्ञान की प्रकृति क्या है, तो विद्यालय ज्ञान की प्रकृति थी सैद्धांतिक ज्ञान, यानी कि सिर्फ सिद्धांत के नियम पर आधारित ज्ञान, अपने नियम पर आधारित सिद्धांत में बंधा हुआ, एक नियम में बंधा हुआ ज्ञान। सेकंड था हमारा मूर्त अमूर्त ज्ञान, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जो हमें सामने दिख रहा है वो प्रत्यक्ष ज्ञान और अप्रत्यक्ष कहते हैं। या मूर्त ज्ञान जहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान यानी दिखाते हुए हम विद्यालय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके साथ हमें का मूर्त रूपण ना दिखाई देने वाला क्या है, कहा जाए तो हमें जो कोई कहा रोचक कहानी शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से उस चीज़ की कोई घटना से रिलेटेड जोड़ते हुए हमें उस अमूर्त ज्ञान की पूर्ति करवाता है कौन, विद्यालय। हर था हमारा स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान, यानी कि जो विद्यालय है वो स्थान विशेष के साथ साथ हमें जो हमारा स्थान और सार्वभौमिक ज्ञान दोनों में हमें किस तरह से संतुलन बिठाना है ये भी हमें विद्यालय ज्ञान सिखाता है। फिर हमने पढ़ा था कि विद्यालय के महत्व में, कि विद्यालय हमारा क्यों महत्वशील है, क्योंकि विद्यालय के बिना हम कहते हैं कि एक तरीके से हम सही गलत निष्पक्ष ज्ञान तो हम प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। जब तक हम विद्यालय में नहीं आएंगे, विद्यालय में आते हैं तो हम एक सामंजस्य की भावना, हमारे अंदर एक परोपकार की भावना, इन सब भावनाओं का विकास हमारा प्राप्त होता है। इसके कार्य थे मानवीय मूल्यों का विकास, जहाँ हम कहते हैं कि मानवीय मूल्य क्या है, हमारे दया प्रेम परोपकार इन सब गुणों का जो हमारा विकास होता है वो हमारा विकास विद्यालय के माध्यम से होता है। सेकंड था हमारा गतिशील जीवन, कि किस तरह से कहते हैं कि हम उस चीज़ को उस शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, गतिशील कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, तो समय के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन हमें पता चलता है वो हम विद्यालय के माध्यम से और वही शिक्षा हमारी परिवर्तित होती है। थर्ड पॉइंट था हमारा सांस्कृतिक विकास, कि किस तरह से हम अपनी संस्कृति हमारी संस्कृति का विकास करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं, उसे संरक्षित करते हैं, यानी कि उसे सुरक्षित हम उसे बचा कर रखते हैं। फोर्थ था हमारा सर्वांगीण विकास, यानी कि हमारा चौमुखी विकास, जिसमें हमारा शारीरिक और मानसिक यानी कि कला भाव पक्ष का भी हमारा निर्माण होता है। फिफ्थ था हमारा नागरिकता, यानी कि हम जिस देश में रहते हैं उस नागरिक के क्या कर्तव्य है, इस नागरिक की जो कर्तव्य की देन जो कर्तव्य का ज्ञान है वो हमें विद्यालय ज्ञान से प्राप्त होता है। सिक्स पॉइंट था हमारा व्यवसायिक शिक्षा, कि जिससे हम अपना व्यवसाय चलाते हैं, हम अपना रोजगार करते हैं, कहते हैं शिक्षा तो शिक्षित तो कर ही रही है, लेकिन ये हमारा एक जीवन यापन का साधन किस तरह से बनेगी ये भी हमें विद्यालय ही बताता है। सेवन पॉइंट था हमारा देशभक्ति की भावना, कि शिक्षा हमें हमारी देशभक्ति की भावना भी जागृत करती है। कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा आगे का टॉपिक ज्ञान की, विद्यालय ज्ञान की विशेषता, और इसके साथ जो नया पढ़ूंगी वो होगा हमारा विद्यालय से बाहर का ज्ञान। धन्यवाद।